हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन अकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग जीपेट 22 के बारे में। ठीक है, तो जीपेट 22 आ रहे हैं, काफी पास में है। तो अभी एग्जाम आप देने जाओगे, लगभग एक डेढ़ महीने बाद आप लोग जाओगे। बट उससे पहले बहुत सारे बातें हैं जो आपको पहले ही पता रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद पता हो। तो किसी ने मुझे एक कॉमेंट किया था, तो आई रियली वॉन्ट टू थैंक्स अंडर रेटेड SEE, किसी चैनल का नाम है या फिर किसी का जो भी हो। तो उन्होंने एक जो कमेंट किया है वो बहुत ही वैलिड कमेंट लगा मुझे, और मैं कहीं ना कहीं मैं खुद भी ये फेस किया था। तो उनका कमेंट ये था कि सर, मैंने सुना हूं कि जीपेट में काफी सारे क्वेश्चन में चैलेंज होता है और बहुत सारे ऑप्शन गलत रहता है या फिर ऑप्शन दो तीन सही भी रहता है, इस तरह का बात है, क्या ये सही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो इस टाइम हम लोगों को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? तो देखो, ये 100% सही बात है, ऐसा होता है हर बार जीपेट में। या तो आंसर की गलत आता है, या फिर क्वेश्चन गलत रहता है, या फिर क्वेश्चन सही था बट ऑप्शन एक से ज्यादा सही था, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। सिर्फ जीपेट बोल के नहीं है, दूसरा जितना भी एग्जाम है, नेट हो गया, इवन गेट हो गया, सब में गलतियां रहता है और उसके बाद क्लेम करना पड़ता है। ठीक है, गलती को आप अगर क्लेम करोगे तो वो लोग उसको ठीक कर देगा। ठीक तो नहीं कर देगा, अगर आपको लग रहा है कि दिस आंसर मस्ट बी बी बट दे हैव गिवन आंसर की दैट आंसर इज सी, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। बदले में आपको उनको पैसा भी देना होता है, इस तरह का बहुत सारा कुछ क्राइटेरिया होता है। इस बार नेट में जो क्राइटेरिया था, ₹200 आपको देना होता है एक क्वेश्चन को क्लेम करने के लिए, और अगर क्वेश्चन सही भी हुआ तो आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलता। पहले कितना था? पहले था एक क्वेश्चन का 1000, और अगर क्वेश्चन सही हो गया तो आपको 1000 वापस दे दिया जाएगा और गलत होने से पैसा रख देगा। तो जो भी हो, तो ये देखो ये क्यों होता है, ये आप अगर डायरेक्ट बोलो, एक लाइन में बोलो, तो उनका केयरलेस के वजह से ऐसा होता है। एंड दे रियली डिजर्व दिस ऑर्ड, बहुत ज्यादा केयरलेस है। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा देश में इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है और 125 क्वेश्चन फॉर जीपेट दे आर नॉट एबल टू चूज द करेक्ट क्वेश्चन और करेक्ट विथ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 125 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है और आपको उसको ध्यान से देखना है कि वो ऑप्शन सही है कि नहीं। ये भी काम अगर हर बार गलत हो रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ दो बार हुआ, हर बार हो रहा है और आने वाला दिनों में भी होता रहेगा अगर वो लोग सेंस नहीं किया तो। ठीक है, तो इसमें वो वाला लाइन फिट नहीं होता कि इंसान मतलब गलत होता ही है, मैन इज एरर इज नॉट गोइंग टू फिट हियर, दे आर केयरलेस, दैट इज ट्रू। एनीवे, अब आप लोगों को इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, किसी को अगर थोड़ा बुरा लगा तो बुरा मत लो, ऐसा सही है, बहुत बार फेस कर लिया तो मैं अभी ये बात बोल रहा हूँ। देखो, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2017 में, उस टाइम क्या हुआ था, आंसर की गलत था, एक नहीं तीन तीन चार चार आंसर की गलत था, आई थिंक 4 और 3 आंसर की पूरा ही गलत था। ठीक है, सपोज आंसर की सी दिया हुआ है बट ऑप्शन ए होना चाहिए इस तरह का, बट किसी बच्चे ने क्लेम कर दिया था। हालांकि अभी तो आंसर की पहले रिलीज करता है बट उस टाइम आंसर की रिलीज नहीं करता था, फिर भी किसी बच्चे ने RTI डाला था कि मुझे अपना आंसर शीट देखना है। बहुत सारे प्रोसेस होता है, कोर्ट केस वगैरह उसके बाद देखने को मिल जाता है, बट उन्होंने जब देखा था तब उनको पता लगा कि मेरा तो बहुत सारे वो लोगों ने गलत रखा है, फिर उन्होंने क्लेम कर दिया। और बहुत सारे बच्चों का फिर दो तीन महीना, रिजल्ट आने का 2 महीना बाद जाके मार्क इंक्रीज हुआ, इवन मेरा भी इंक्रीज हुआ था, मेरा जितना भी मार्क मिला था पहले और उसके बाद 14 मार्क इंक्रीज हुआ था। तो 14 मार्क इतना इजीली इंक्रीज नहीं होता, 3 मिनिमम मेरा सही हुआ था उसके बाद, तभी जाके इंक्रीज हुआ था। तो एनीवे, जो भी है वो गया, और उसके बाद जब 18 में मेरा फाइनल अटेम्प्ट था, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगर आप किसी भी आपका सीनियर हो, सीनियर तो नहीं हो सकता, या फिर सीनियर का कोई फ्रेंड इस तरह का 2018 में जीपेट पास आउट है, इवन मैं खुद भी था 2018, तो आप उनसे बात कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। और उनका जब आप मार्क्सिट देखोगे ना, वो सब देखोगे स्कोर कार्ड, तो आपको पता लगेगा आउट ऑफ 500 दे हैव रिटन 492, तो 2 क्वेश्चन गलत था। ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत था, उसके बाद से जब क्लेम हुआ उन्होंने क्या किया, 2 क्वेश्चन ही हटा दिया, पूरा क्वेश्चन ही हटा दिया और टोटल मार्क 500 के जगह में 492 कर दिया। तो आप समझ रहे हो ना, गलती उनका है और उसके बाद भी वो क्वेश्चन हटा दिया और 492 टोटल मार्क रख दिया। किसी ने उसमें अटेम्प्ट किया था नहीं किया था, बट बच्चों का तो प्रॉब्लम होता है, द मोस्ट नंबर 1 प्रॉब्लम कि आप उस क्वेश्चन के लिए अपना टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है,
2 से 4 मिनट, 5 मिनट जो भी हो, इवन 10 सेकंड भी हो, आप उसके लिए वॉइस कर रहे हो और उसके बाद वो हटा ही दे रहे हो क्वेश्चन, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, तो अभी देखो आपको किस तरह से, जो हमने फेस किया है परेशानी, मैं नहीं चाहता कि मेरा सब्सक्राइबर हो या ना हो, इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग भी सेम प्रॉब्लम फेस करो। तो नंबर वन, मैं यहाँ पे चीजों को लिख के रखा हूँ क्योंकि दिस इज रियली वेरी सीरियस मैटर। ठीक है, अगर आपको मेरे वजह से एक क्वेश्चन आपको सोल्व हो रहा है या फिर आपका 2 मिनट सेव हो रहा है, इट इज अलॉट फॉर मी। ठीक है, तो नंबर वन की गलतियां कहाँ कहाँ रहते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, चाहे जीपेट हो, गेट हो, या जब भी कोई भी, और दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर जीपेट, फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, आई हैव गिवन लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड दिस इज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज आई नो इन एवरी पेपर दे मेड मिस्टेक, एवरी पेपर। सो नंबर वन, मिस्टेक कहाँ कहाँ रहते हैं। मिस्टेक नंबर वन जो रहता है, क्वेश्चन सही रहता है, क्वेश्चन इज करेक्ट, बट दे हैव गिवन टू ऑप्शन व्हिच आर करेक्ट। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि जीपेट जो एग्जाम है वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, एमएसक्यू इज नॉट देयर। फॉर गेट के लिए क्या होता है, एमएसक्यू होता है। तो दो दो ऑप्शन अगर सही है तो आप दोनों में क्लिक करो, तभी आपको मार्क मिलेगा। अगर किसी एक को किया आपने सोचा कोई नहीं एक तो कर लिया हाफ मार्क मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, दोनों में सही करना होता है तभी जाके आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि एमसीक्यू है तो आपको दो में ऑप्शन में क्लिक नहीं कर सकते, बट इवन 2-3 आंसर वाला भी एमसीक्यू में ला सकते हैं। नीचे फिर से ऑप्शन आता है, नीचे ऑप्शन देगा कि बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, अगर उस तरह से दिया है देन इट्स ओके, बट एबीसीडी ऑप्शन रख दिया और वहां पे दो सही है, सपोज एसी इनहिबिटर पूछ रहे, ठीक है, और उसमें उन्होंने कैप्टोप्रिल एनाप्रिल दोनों रख दिया, तो ये तो गलत हो रहा है, दोनों आंसर सही है। तो ये हो गया नंबर वन। लास्ट में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि कौन सा तरह का गलती क्वेश्चन को आपको किस तरह से हैंडल करना है। ये नंबर वन, क्वेश्चन इज करेक्ट बट ऑप्शन टू, गिवन ऑप्शन इज टू, ठीक है, दो ऑप्शन दिया है दोनों सही है। नंबर टू, क्वेश्चन सही है बट उन्होंने वहां पे ऑप्शन रखा ही नहीं है। सपोज एसी इनहिबिटर के बारे में पूछ रहे कि कौन सा बिलो व्हिच वन इज एसी इनहिबिटर, बट दे हैव नॉट गिवन एनीवन एसी इनहिबिटर। तो ये तो क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन जो भी था सही था, बट ऑप्शन कहीं से भी ले लिया और ऑप्शन ही नहीं है, या फिर आप बोल रहे हो कि जो ऑप्शन दिया है उसके लिए वो क्वेश्चन सही नहीं था, तो दोनों तरह से आप बोल सकते हो। और नंबर थ्री इज, क्वेश्चन इज रॉन्ग, कुछ कैलकुलेशन दिया है जो पूरा की पूरा टेक्निकल क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो ये सब बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ही गलत है तो ये बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है मेरी तरफ से, क्योंकि उसमें क्या करते हैं बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं, सोचते रहते हैं अरे क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा क्या यूज करो, क्या नो क्या, ऐसा ऐसा सोचते टाइम वेस्ट हो जाते हैं। और लास्ट में आता है कि आंसर की गलत है, सब कुछ सही था बट जब आंसर की आया तो गलत हुआ, तो वो तो सोल्व हो जाएगा, यू हैव नॉट टू वरी अबाउट इट। क्लेम करेगा बच्चे, क्लेम करेगा, इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले या फिर जो भी टीचर लोग होते हैं वो लोग भी देखते हैं, और किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन, तो इवन बच्चे को भी पता लग जाता है कि इतना तो बच्चे है नहीं, कि इतना भी नहीं पढ़ा हुआ है, कि ये ऑप्शन बी होना चाहिए था बट सी में उन लोग दे रहे, तो ये क्लेम हो जाता है। ठीक है, अब देखो कि प्रॉब्लम क्या है, अगर आप क्लेम करोगे ना, आई मीन ऑप्शन बी सही होना था बट उन्होंने सी बोल रहे, तो क्लेम करोगे तो अगर आपने बी में क्लिक करके रखा था तो आपको मार्क दिया जाएगा, और अगर आपने सी में क्लिक करके रखा था और सी को लोग सही बोल रहे हैं, तो जो बच्चे सी को क्लिक करके सही मार्क मिला था उनको मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। कितना मार्क डिडक्ट होता है, 5 मार्क्स। 4 मार्क्स इसलिए डिडक्ट होता है कि आपने सही बोला था, आई मीन आपने सी बोल रहा था और लोग भी सी बोल रहा था, तो 4 उन्होंने पॉजिटिव मार्क आपको दे रखा था बट आपका अभी गलत हो रहा है, तो 4 तो डिडक्ट होगा ही होगा, पास 7 में गलत होने की वजह से 1 मोर मार्क गोइंग टू डिडक्ट, सो टोटल 5 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। और जिसका भी बूस्ट होगा, आई मीन मार्क इंक्रीज होगा, बेनिफिट कितना होगा, 5 मार्क का, क्योंकि आपने बी पे क्लिक किया था और उन्होंने गलत बोल के आपको -1 करके रखा था बट अभी बी सही है, तो एक तो +4 दो और वो जो -1 दिया था आपको वो भी वापस करो, तो टोटल 5+5 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मुझे भी 2017 में 3 क्वेश्चन गलत था, तीनों का 15 मार्क आसपास मिल गया था, 14 या फिर 15 मिल गया था। तो ये है क्राइटेरिया कि अगर गलत आंसर की दिया है तो क्या होता है। अब आ रहा हूं कि नंबर वन प्रॉब्लम में, जब क्वेश्चन सही था, ऑप्शन भी सही है बट ऑप्शन एक से ज्यादा सही है, अब उसमें क्या कर लो आप, अगर कैप्टोप्रिल एनालोप्रिल दोनों कैप्टोप्रिल एंड एनालोप्रिल दोनों दे के रखा है एसी इनहिबिटर की उसमें
ऑप्शन में, तो आप दोनों में ही क्लिक करो ताकि आपको, दोनों में तो क्लिक नहीं कर सकते, किसी एक में क्लिक करो ताकि आपको। हे गाइस, हाँ तो थोड़ा इंटरप्शन आ गया था, कोई नहीं, तो फिर से हम लोग बोलते कि प्रॉब्लम क्या है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखो, जब ऑप्शन दो सही है हो रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ऐसे ही इनहिबिटर एंड दे हैव गिवन टू ऑप्शन, तो आप दोनों में तो क्लिक कर नहीं सकते क्योंकि एमएसक्यू है नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है आप किसी एक पे क्लिक करके आ जाओ, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट यही होगा, हुएवर गिव ऑप्शन एज ए बी और सी, जो भी था दोनों ऑप्शन का किसी में भी आपने क्लिक किया था तो आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आप थोड़ा स्मार्ट रहना, अगर आपको लग रहा है कि दो आंसर सही है तो आप दोनों में से किसी एक को क्लिक करो, या फिर आप ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा आंसर सही लग रहा है उसको आपको क्लिक करना है। और उसके बाद कि ऑप्शन सही है ही नहीं बट क्वेश्चन है, सपोज ऐसी इनहिबिटर पूछ रहे हैं और ऑप्शन में है ही नहीं, उसको क्या कर सकते हो, आप छोड़ के आ सकते हो, क्योंकि ये बात नहीं बनता कि क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन गलत है तो कहीं ना कहीं ये डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग बोलता है कि गलत क्वेश्चन में आप क्लिक करके आ जाओ आपको मार्क मिल जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, ये वो लोग एक बोर्ड डिस्कशन होता है उसके बाद ही फाइनलाइज होता है कि मार्क मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद देखो, एक जो लास्ट ऑप्शन थ्री में कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है, अगर आपको लग रहा है एक मिनट वेस्ट कर लिया आपने और अभी तक आपको ये फील हो रहा है कि क्वेश्चन ही गलत है, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि एट द एंड क्या होगा, जो 2018 में हुआ था दो क्वेश्चन हटा दिया गया था, तो ऐसा ना हो कि ये ऑप्शन ये क्वेश्चन ही हटा दे और वो लोग टोटल मार्क्स से डिडक्ट कर दे। उनका लॉजिक ये है कि अगर हमने ये क्वेश्चन को ही हटा दिया तो कहीं ना कहीं किसी बच्चों का लॉस नहीं होगा, ये सबके लिए इक्वली डिडक्ट हो जाएगा, बट उनका क्या जिन्होंने इस क्वेश्चन के लिए टाइम वेस्ट कर लिया, ठीक है। तो आप स्मार्ट रहो, और इस तरह का जब क्वेश्चन आपको मिले और आप कंफर्म हो कि क्वेश्चन गलत है, आप उसको स्किप करो, एटलीस्ट अपना टाइम तो वेस्ट मत करो। अगर सब क्वेश्चन करने के बाद टाइम बढ़ रहे आपके पास रह रहे तो आके फिर से ये क्वेश्चन देख सकते हो, और लास्ट में आंसर की गलत है वो तो आप उस टाइम पता नहीं लगेगा, वो लास्ट में पता लगेगा, तो लास्ट तक वेट करो। तो इसमें बस कंक्लूजन ऐसा ही है कि अगर दो क्वेश्चन सही देख रहे हो तो आप फाइंड आउट करो कौन सा ज्यादा करेक्ट है, या फिर दोनों अगर सही है तो दोनों में से किसी एक में क्लिक करके आ जाओ, आपको मार्क मिलेगा। और नीचे ऑप्शन है ही नहीं जिस क्वेश्चन को दिया गया था, तो वो तो टेक्निकली क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है, या फिर ऑप्शन सही दिया ही नहीं, इस तरह का हो सकता है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ हद तक आंसर सी ऑप्शन सी हो सकता है बट नॉट एग्जैक्ट आंसर, फिर भी आप ऑप्शन सी में क्लिक कर सकते हो। तो दिस इज ऑल द वे हाउ यू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम और लगा तो आप मुझे एग्जाम से पहले पहले ईमेल करो ताकि आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग, जितना हो सके शेयर करो, अपना जितना भी जीपेट का फ्रेंड है सबको शेयर करो, जूनियर को भी शेयर कर सकते हो, आपके ऊपर है। थैंक यू। तो इस तरह का टेक्निक आप फॉलो करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। दो ऑप्शन सही है तो छोड़ के मत आना, आप अटेम्प्ट करना, आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन अप्लाई दिस एंड यू विल गेट बेनिफिट डेफिनेटली, यू कैन थैंक मी लेटर। थैंक यू।